मैडम माशाल्लाह बिग फैन मैडम. थैंक यू सर. मैंने मैडम कुछ लिखा है, मैं बड़ा परेशान हूँ काफी दिनों से. माफ कर दे, माफ कर दे. अगर किसी ने आपका कर्ज देना है और वो माली तंगदस्ती का शिकार है तो खुदा के लिए उसे माफ कर दें. यकीन कीजिए ये बहुत बड़ी नेमत है. एंजी सारी किस्तों दी चीजें ले आके तो ये शेर सुना देता हूं. लोग मजबूर होकर ही कर्जा लेते हैं लेकिन बाद औकात अगर वक्त पे ना दे पाए तो उनके साथ सख्ती से पेश ना आया करें. इसमें मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है मैडम, कहिए ये गौर से सुनिएगा. जो मुझ पे कर्ज है उसको उतार जाऊं मैं, ये और बात है जीतूं के हार जाऊं मैं. बिखर गए जो लम्हे समेट लूं इनको, बिगड़ गए जो नक्शे सवार जाऊं मैं. मकरूज को नहीं मिलता सकूं, मकरूज को नहीं मिलता सकूं. के दिल करे चू चै चू चै चू. अभी ना मारिएगा. मैंने कहा इतना कोई अमेजिंग, इतनी कोई डेप्थ और बाद में ऐसा ही है जी, ये बंदा ही ऐसा है. मैडम मैं सच्ची पूछी. मैं कर्ज की बात कर रहा हूँ. अगर कोई बंदा मजबूर हो गया कर्जा लेता है जी. लेकिन कर्ज वापसी का मुतालबा कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन अगर कोई वाकई मजबूर है तो मोहलत दे दें उसको. जा माफ कर दें. और यकीन करें अगर आप माफ कर देंगे तो आपके डबल हो जाएंगे, दुगना मिलेंगे आपको. माशाल्लाह कितने चाहिए? नहीं सर वो जेड़े मैं तुम पहले देने से ना अगली 25 तक मैं दांगा तुम.